नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देखिए, कुछ बोलने से पहले ये आपको बता दूं कि यहां पे बंगाल में महिलाओं में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। तो सबसे पहले इन महिलाओं की उत्साह को देखिए कि जय जय श्री राम का यहाँ पे नारा लगाया जा रहा है। देखिए, भारत माता की जय, जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। और जय श्री राम के नारे से ये समझ में आ रहा है कि इस बार बीजेपी की बड़ी जीत होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि बीजेपी बहुमत के साथ आने का जो दावा कर रही है, वो कहीं ना कहीं जनता भी उनके दावे के साथ हाथ में हाथ मिला के कमल का फूल खिला रही है। बीजेपी घोरे घोरे, इसका मतलब ये है कि बीजेपी हर घर में होगी, या यूं कहा जाए कि बीजेपी को लेकर जो लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से यहाँ पे जो दावे किए जा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से सही होते साबित हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों को उम्मीद है कि हाँ, बीजेपी ही इस बार जीतेगी। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं जो गर्मी में भी घर से बाहर निकल कर बीजेपी का साथ दे रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। क्या क्या कहेंगी? कहेंगे आज जो जनजोर मानुषेर ढल नेमे এসেছে অরিন্দম ভট আজ আমাদের এখানে 40,000 ভোটে জিতবে, বিজেপি আসছে, তৃণমূল যাচ্ছে। পুরো পুরো আপনাকে ভরসা আছে কি বিজেপি আসবে? পুরো আমাদের সরকার আসবে, আমাদের সরকার আসবে, আসবে 100%। দিদিকে আপনি কি বলতে চাই? দিদি তো দাবা করছে কি না আমি জিতবো, আপনাদের বলছে কি না 2 মাই দিদি গই, ক্যা বলেঙ্গে? দিদি কো বাদ বলনা দিজিয়ে, দিদি সমাজ গিয়া উসকা মাটি পাছে মাটি চলা গিয়া, ও নেই আপ জিতেগা, জিতেগা বিজেপি সরকার আয়েগা, নবর নামে উসকা ফেক দেগা আদমি। বাংলার জনগণ ঠিক করেছে, ওনাকে উপরে ফেলবে, উনি ভ্রষ্টাচারী। আপনি একটা মহিলা, মমতা দিদি বলে কি বাঙালির সব মহিলা আমাদের সাথে আছে, মহিলা মহিলার সাথ দিচ্ছে না, কিউকি শুধু মমতা দিদি একা অনেক কাজ করেছে, বাঙালকে দাঁড়িয়েছে, তো তার জন্য আপনি মমতা দিদিকে কিছু বলবে না? কিছু কাজ করেনি, ভাউতা দিয়ে গেছে, মমতা দিদি একটা মিথ্যা প্রচার দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে, মেয়েদের সুরক্ষা নেই, মেয়েদের কোনো সুরক্ষা নেই, মেয়েদের কোনো কাজ নেই, যুবদের কাজ নেই, বেকারদের হাহাকার করছে, বাংলাতে কোনো কাজ নেই, ছেলেরা আমফানে দুর্নীতি করেছে, চাল চুরি, রাশন চুরি, সবকিছু করেছে। চলিয়ে তো यहां पे जो भी महिलाएं, उनका ये कहना है कि महिला सुरक्षा को लेकर ममता दीदी की तरफ से कोई कार्य नहीं हुआ है। यहां पे भारी संख्या में महिलाएं भी है, आप देख सकते हैं कि उत्साह कितना ज्यादा है। কি বলতে চাই আপনারে মহিলা কে লিয়ে মমতা দিদি কি কি করেছে? হ্যাঁ, আমি নৈহাটি সুভাষনগর 23 নম্বর বুথের বুথ সভাপতি শিখা ব্যাপারী। আমরা বাংলার পরিবর্তন চাই, আমরা কৃষকদের সমস্ত কিছু ফিরে পেতে চাই, আমরা বাংলার রাবণ শাসিত রাজ্য ধ্বংস করে রাম শাসিত রাজ্য চাই। ঠিক আছে, তো আপনি শোনা কি यहां पे जो भी महिलाएं हैं वो মমতা দিদি से कुछ भी उम्मीद नहीं करती, बीजेपी के बीजेपी को लेकर काफी भरोसा है कि बीजेपी की जब सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए काफी कुछ कहा जाए किया जाएगा। आप कुछ बोलना चाहेंगी? मुझे कुछ बोला नहीं है। अब यहां पे दावा किया जा रहा है कि जगदलपुर सीट यदि बीजेपी जीतती है तो कॉलेज बनाए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे, कितना भरोसा है आपको? 100% भरोसा है, इसलिए हम लोग इसके पीछे भाग रहे हैं कि बीजेपी इस बार जिताना है इसको। बीजेपी को जिताना है, पूरा सपोर्ट जो है वो बीजेपी के साथ है, एकदम एकदम। तो आपने सुना कि यहाँ की जो भी महिलाएं हैं उनका यही कहना है कि बीजेपी पे उनको इतना भरोसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी की जब सरकार आएगी तो महिलाओं के हित में कार्य किया जाएगा, महिलाओं की जो भी इच्छा है, जो वो सरकार से चाहती है, उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि ममता दीदी की सरकार में महिलाओं को ध्यान में नहीं रखा गया। और यही वजह है कि यहाँ पे महिलाएं भी जो है काफी ज्यादा संख्या में इस रोड शो का हिस्सा बनी है, और इन महिलाओं का पूरा जो भरोसा है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ ही है। तो देखने वाली बात होगी कि 2 मई दीदी गई या खेला हो गई या परिवर्तन हो गई, पर जिस तरह से रोड शो में लोगों का हुजूम दिख रहा है, उससे यही कहा जा सकता है बीजेपी को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भरोसा बना है। अब 2 मई को क्या होता है देखने वाली बात होगी।
আপনাদের হাতে তো বিজেপির ঝান্ডা আছে কি বলবেন আমি বিজেপিকেই ভালোবাসি আমি মোদিজির ফ্যান মোদিজি জিন্দাবাদ তো যতই করো জোর পাতলা ফুলে হবে একটু নাচ করবে সবাই নাচছে সবার ভিতরে অনেক উমঙ্গ আছে আপনি মহিলা আছো মহিলা কো লেকর কি লাগতা হয় কি ক্যা কুছ বিজেপি কি তরফ সে দিয়া জায়েগা সব বিজেপি যতই করুক জোট মনে মনে সব বিজেপি তরফ সে দিয়া জায়েগা ভোট चलिए तो जो महिलाओं है उनके अंदर भी यही उत्साह है और यही उत्साह लोगों के अंदर है जो बार बार ये कहता है कि 2 मई दीदी गई क्योंकि महिलाओं के अंदर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आ चुका है कि बीजेपी की सरकार में महिलाओं के लिए काफी कुछ किया जाएगा। एक नजर आपको यहाँ की भीड़ के बारे में जरा दिखाना चाहूंगी कि देखिए ये जो भीड़ है ये बहुत कुछ कहता है कि बीजेपी पूरे दमखम के साथ यहाँ पे मौजूद है और जो 200 से ज्यादा सीटों का यहाँ पे दावा किया जा रहा है वो बीजेपी की तरफ से इन लोगों की तरफ से वो पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। तभी गर्मी का महीना है और इतनी गर्मी के बाद भी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या में निकले हुए हैं और जय श्री नाम के नारे लगा रहे हैं। तो अब तो 2 मई को ये पता चलेगा या देखने वाली बात होगी कि लोग इसको लेकर क्या कुछ जो दावे कर रहे हैं वो पूरा हो पाएगा या नहीं, क्या कहना चाहेंगे? बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। और कोई जो है जय श्री राम नहीं बोलना चाहेगा उसको आप क्या बोलेंगे? उसको भी बोलेंगे जय श्री राम, उसको भी यही बोलेंगे। टोपी वाला दाढ़ी वाला जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में 2 मई दीदी गए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का यहाँ पे हुजूम आपने देखा उससे ये तो जरूर साबित होता है कि जगदलपुर सीट और श्यामनगर की सीट बीजेपी की है और यहाँ पे बीजेपी का दबदबा पिछले कई वर्षों से लगातार बना हुआ है। लगातार बीजेपी इस एरिया पे मेहनत कर रही है पर क्या कुछ होता है रिजल्ट वो 2 मई के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी कोलकाता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।